अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक अहमद खान, ब्रांडिंग कंसल्टेंट द स्पॉन्टिक डॉट कॉम की तरफ से। आज की वीडियो हमारी मैसिया स्टूडियोज़ की प्रोडक्शन है, जिसमें आप तक हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज सोस्टैक, विच इज मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। जी, मार्केटिंग प्लान किस तरह बनता है, उसके क्या फेजेस हैं और उसमें क्या इन्ग्रीडियंट्स होने चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ सीईओस को, प्रेसिडेंट्स को, डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को और मैनेजर्स को, और ख़ास तौर पे कंपनी ऑनर्स को। मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, ये आज की वीडियो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के इन तमाम पोजिशन होल्डर्स के लिए इंतहाई यूजफुल रहेगी। 2018 स्टार्ट हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमने अपनी इस साल की मार्केटिंग प्लानिंग पूरी कर ली है? आप वन मैन कंपनी हैं, आपकी कंपनी में अंडर 10 एम्प्लॉयज हैं, बिटवीन 10 टू 50 हैं, और आप 50 to 100 हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या मार्केटिंग प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है? इफ यस, तो आप इस वीडियो में देखिए कि जो इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूंगा, क्या इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक मार्केटिंग प्लानिंग है? इफ नॉट, तो इट्स वेरी रिस्की। प्लान योरसेल्फ, आप जल्दी अपनी प्लानिंग कीजिए, अदरवाइज यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल, सो इट्स द राइट टाइम। आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्लानिंग को एक इंतहाई आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो सबसे ज्यादा वेरीफाइड और टेस्टेड मॉडल है मार्केटिंग प्लानिंग के हवाले से, दैट इज सोस्टैक। इन 1990s में पीआर स्मिथ ने ये मॉडल पेश किया, और अब 2017 तक ये एक इंतहाई मोतबर मॉडल समझा जाता है, जिसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, जिसे एसएमईज के अंदर जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको मेरे साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा ये सोस्टैक का प्लानिंग प्रोसेस एक साइकिल की सूरत में। आप स्टार्ट करते हैं ग्रीन कलर से। एस जो है पहला, ये सिचुएशन एनालिसिस के लिए है, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन स्ट्रैटेजी, देन टैक्टिक्स, देन एक्शन एंड फाइनली कंट्रोल। बट अगेन, कंट्रोल के बाद एक बार फिर ये साइकिल चलता रहता है, ये स्टेप डाउन नहीं हो रहा, इसका कोई एंड नहीं है, अनलेस कि हमारा बिजनेस का वजूद ना रहे। लेकिन टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल एंड सिक्योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मार्केटिंग प्लानिंग को साइंटिफिकली समझें। आप जिस भी बिजनेस से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रियल स्टेट एजेंसी चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर फिल्टर प्लांट लगाया है और आप वाटर फिल्टर सेल करते हैं, आप होम अप्लायंसेस सेल करते हैं, आप फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हैं, या फर्नीचर का शोरूम है आपका, या गाड़ियों का शोरूम है, या आप जैपनीज गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप फर्टिलाइजर्स बेचते हैं, या आप चिकन के बिजनेस में हैं, वॉट एवर बिजनेस यू आर इन, आप देखिए कि मार्केटिंग प्लानिंग आपके लिए बहुत अहम है। और मैं कोशिश करूंगा उर्दू ज़ुबान के अंदर आज की वीडियो में लाया हूँ, ताकि बहुत आसानी के साथ आप समझ सकें आप पहले इस प्लानिंग प्रोसेस को, ताकि सेकंड फेज पे आपके लिए इसको एग्जीक्यूट करना आसान हो। स्क्रीन पे आप देखिए सिचुएशन एनालिसिस क्या है। सिंपल उर्दू में, अब हम कहाँ खड़े हैं, वेयर वी आर नाउ। जी, मैं अगर 2018 में बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो 2018 के ट्रेंड्स, 2018 के एक्सपेक्टेशंस, 2018 के चैलेंजेस, 2018 की मुझे चीज़ें देखना है। प्लीज़ इसमें ये मत कहिएगा कि मैं 20 इयर्स से 15 इयर्स इस बिजनेस में हूँ, ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है। सर, मैडम, दिस इज 2018। बड़ी तेज़ी से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, और मैं आज आपको बड़ा एक सरप्राइजिंग बिलबोर्ड बताता चलूँ। आई विश कि मैंने उसकी एक पिक्चर भी ली होती। बिल उस पर सिर्फ मार्केट किया गया था ट्विटर अकाउंट को। सऊदी अरब रियाद में ये बिलबोर्ड देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ, और ट्विटर अकाउंट हैश के साथ किंग सलमान और वेरीफाइड अकाउंट को डिस्प्ले किया गया था। वो उसको इसलिए मार्केट कर रहे हैं कि अगर सिटीजन्स अपने किंग से कोई बात शेयर करना चाहें, मैसेज उस तक पहुंचाना चाहें, तो वो उस ट्विटर अकाउंट पे जा सकते। अब आपने ये बिलबोर्ड पहले देखा, आपने किसी कंपनी की तरफ से सिर्फ ट्विटर अकाउंट देखा, यानी कि ट्विटर अकाउंट की इतनी अहमियत है टू कनेक्ट द सिटीजन्स
टू लिसन देयर वॉइस कि उसको उन्होंने बिल बोर्ड पर डिस्प्ले किया. 2018 में हमें देखना है वेयर वी आर नाउ. सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स. हमारा इस बिजनेस में हमारा ओरिजिनल मकसद क्या है? सबका डेफिनेटली एक ही आंसर होगा, मनी. आई अंडरस्टैंड, लेकिन बिजनेस इतना सिंपल नहीं है जी. मनी ही, पैसा कमाना ही बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. सर्व करना ही एनजीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. एजुकेशन देना ही स्कूलिंग का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. लेकिन आप ये देखिए, क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया? क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को इन राइटिंग लेके आए? अगर नहीं तो इट्स वेरी रिस्की जी. आप पैसा कमाएंगे ये तो ऐसे ही है जैसे एक आप किसे पूछेंगे जी आप क्या चाहते हैं, यार मैं अमीर बनना चाहता हूँ. Everybody wants to be rich. लेकिन उसके पीछे आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा. How, when, how much, till when, deadlines. इस पर हम फर्दर आगे मूव करके बात करेंगे. स्क्रीन पे देखिएगा, थर्ड जो हमारा SOSTAC का फेज है, दैट इज स्ट्रैटेजी. डिफाइन योर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या है? हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? How do we get there? वापस देखिएगा, मैं रिपीट करता चलूँ. सबसे पहले है हम इस वक्त कहाँ हैं, दैट इज सिचुएशन एनालिसिस. वेयर डू वी वॉन्ट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. और हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी. हाउ डू वी गेट देयर. स्ट्रैटेजी, आपने इस वर्ड के बारे में बेतहाशा दफा सुना होगा. बेसिकली ये वर्ड मिलिट्री से बिलोंग करता है, जहां वॉर स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है. फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस वर्ड की खासी वैल्यू बनी. अब कोई भी बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, उन्हें स्ट्रैटेजिकली मूव करना है. उन्हें हर बात में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी स्ट्रैटेजिक होगा, मैनेजमेंट भी स्ट्रैटेजिक होगी, मार्केटिंग भी स्ट्रैटेजिक होगी. और मार्केटिंग में जब हम मार्केटिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट स्ट्रैटेजी डिफाइन करना है. मैं कराची जाऊंगा, ओके, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. मैं अगले महीने कराची जाऊंगा, दैट इज माय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव. आके देखिएगा कि मैं कराची बाय एयर जाऊंगा, मैं कराची बाय रोड जाऊंगा, दैट इज द स्ट्रैटेजी. अगर बाय एयर वेदर ठीक ना हुआ तो मैं बाय ट्रेन जाऊंगा. ये वो स्ट्रैटेजी. हाउ डू वी गेट देयर, हम कैसे अपने उस जगह पहुंचेंगे जो हमारी डिजायर्ड या ड्रीम जो हमारे टारगेट्स हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 4, दैट इज टैक्टिस. टैक्टिस को अगर आप वन वर्ड में समझें, दैट इज टूल्स. वो कौन से टूल्स हैं जो मेरी मदद करेंगे मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. How do we get there? On an individual level, we will define the tools. Which tools will help us to reach there? This is हमारा tactics है. हमारा जो fifth उसमें step है, that is action. Exactly जैसे camera movies में आप देखते हैं, director की आवाज आती है, action. Exactly आपकी as a CEO, as a manager, आपके as a managing director or the company owner, आपकी एक आवाज आएगी जो कि in writing होगी, action plan. This is my action plan. Simply speaking, जैसे शादी पे एक शादी कार्ड बनता है, उसके अंदर complete plan है. Wedding plan आप पूरा define करते हैं जब आप guest को invite करते हैं कि किस दिन, कितने बजे, कहाँ, क्यों, किसकी शादी, किसके साथ. Exactly, आपने action plan में हर चीज को लिखना है कि मेरा ये marketing process इस तरह, इन डेट्स पे, इस कैंपेन के साथ, इस टारगेट सेगमेंट तक पहुंचेगा, ये इतने पैसे मैं अर्न करूंगा, इतने पैसे मैं स्पेंड करूंगा, उस जो मैं स्पेंडिंग करूंगा उसे इतने यूनिट सेल करूंगा. तो इस तरह आपकी टैक्टिस के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज एक्शन प्लान. लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, एज द कंपनी ऑनर, कंट्रोल. आप कंट्रोल कीजिए. एक जनरल जैसे अपनी मिलिट्री को पूरा कंट्रोल करता है, एक एक कंपनी का ऑनर या मैनेजिंग डायरेक्टर को पूरा कंट्रोल रखना है. जैसे एक डॉक्टर पल्स पे सिर्फ चंद सेकंड गुजारने के बाद आपको बॉडी की हेल्थ की कंडीशन बता सकता है, इसी तरह आप कुछ पैरामीटर्स, KPIs डिफाइन करते हैं जिसके ऊपर बैठ के फिर आप बता पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टैक्टिस, एक्शन, एवरीथिंग इज एज स्केड्यूल्ड, या ये अपने रास्ते से हट गए.
अब ये उसी SOSTAC प्लानिंग को कुछ मैंने आइकॉन्स के साथ बताया है, कुछ आइकॉन्स आप देख रहे हैं वही आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसमें जो कंट्रोल है आप तीन एरोज उस पे जाते हुए दिखाई देंगे आपको। कंट्रोल का डायरेक्ट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कंट्रोल का स्ट्रैटेजी के साथ और कंट्रोल का टैक्टिक्स के साथ। आपने इन तीन एरियाज में स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। जी फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाना चाहूँगा कि आप ईच स्टेप को डिटेल में और टेंजिबल तरीके से समझ सकें, किस तरह आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जी सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस। हमने कहा था कि हम आज इस वक्त कहाँ हैं, 2018 में क्या सिचुएशन है, मैं उसका एनालिसिस करूँगा। यानी कि थोड़ी सी मुझे मार्केट रिसर्च करनी है। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं। अब्रॉड से जितने भी लोग पाकिस्तान आते हैं, यूजली वो 20 इयर्स 25 इयर्स उन्होंने अब्रॉड में रहे, दे वर्क रियली हार्ड और उन्होंने कुछ पैसे सेव किए। इट वाज रियली हार्ड कि जी आप अपने घर से, वतन से, रिलेटिव्स, बच्चों से दूर रहें एंड नाउ दे हैव मनी। और जब वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट आइडिया आएगा प्रॉपर्टी का काम कर लें, सेकेंड आइडिया आएगा डिपार्टमेंटल स्टोर बना लें। सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए, प्लीज मार्केट को सर्च कीजिए। स्पेशली मेरे उन दोस्तों से बड़ी सीरियस रिक्वेस्ट है कि इफ यू हैव मनी, यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, प्लीज जस्ट डोंट गो रैशनल। ये मिस्टेक मत कीजिए। लाहौर में मुझे नवंबर में इत्तेफाक हुआ एक दो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर जाने का, मैं उनके नाम नहीं ले सकूंगा टू कीप देम कॉन्फिडेंशियल। और दोनों स्ट्रगलिंग फेज में थे, दोनों अगरचे पुराने हैं, दोनों अगरचे बड़ी ज़बरदस्त लोकेलिटीज में हैं, बट द ओनर्स आर नॉट एज हैप्पी एज दे वॉन्टेड टू बी। सो आप बड़े केयरफुल रहिएगा, अंधाधुंध जाना और सीधा आप डिपार्टमेंट स्टोर शुरू करेंगे क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए में शुरू हो जाएगा। इस तरह प्लीज़ आप थोड़ा सा साइंटिफिकली चलें, आप मार्केट को सर्च करें। अब सवाल है कि मार्केट रिसर्च से क्या मुराद है। जी आप डिफरेंट लोगों की ओपिनियन लें, उसी बिजनेस में इन्वॉल्व लोगों के कोई रिलेशनशिप तलाश करें या उनसे जाके स्ट्रेट कहें कि आई वुड लाइक टू बी स्टार्ट सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन फलां लोकेलिटी, प्लीज़ गिव योर ओपिनियन। व्हाट आर द ट्रबल्स, क्या मुश्किलात आप फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितने अरसे में क्या धचका लग सकता है, कितने अरसे में प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन कब आएगा। अब थोड़ा सा मार्केट को रिसर्च कीजिए। और इसी तरह आप SWOT एनालिसिस कीजिए। SWOT एनालिसिस में आप हमारी एक और वीडियो देख सकेंगे daspantech.com की, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि SWOT को हमने डिटेल में 5-7 मिनट्स में डिस्कस किया है। आज मैं थोड़े से वक्त में बताता चलूं। आप स्ट्रेंथ्स देखिए, आप वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपॉर्चुनिटीज पे बात कीजिए और आप थ्रेट्स देखिए, रिस्क को देखिए बिजनेस में। स्ट्रेंथ्स देखेंगे आप इंटरनल, वीकनेसेस देखेंगे आप इंटरनल, और देखेंगे वीकनेसेस अपने कॉम्पेटिटर्स की। आप अपनी वीकनेसेस देखें, फॉर एग्जाम्पल बजट, आपके पास लिमिटेड बजट है लेकिन ब्रेक इवन पे जाते जाते आपको 2 साल लग जाएंगे, बी केयरफुल। आप इसी तरह जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मार्केट की हैं, आप देखिए मार्केट की अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट में सर्टन बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ एजेंसी के बिजनेस में आना, यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस लगाना, यहाँ चिकन का कारोबार करना, इज इट यानी अ गुड आइडिया। आप अपॉर्चुनिटी देखें उस लोकेलिटी में, उस सिटी में, अगर आप नेशनल लेवल पे हैं उस ब्रांड की अपॉर्चुनिटी है, और थ्रेट्स, और इस सर्टन बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक सम एक्सपर्ट्स ओपिनियन, चैम्बर से रब्ता कीजिए, चैम्बर वाले आपको बड़ी न्यूट्रल ओपिनियन दे सकेंगे, चैम्बर दे आर वेरी अप टू डेट पीपल। तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कीजिए, कोई शख्स है जिसने उस इंडस्ट्री में 30-40 ईयर्स लगाए, कोई बंदा उस इंडस्ट्री में 15-20 साल से काम कर रहा था, एक्सपर्ट ओपिनियन पे प्लीज़ ज़रूर उसको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए ताकि आपको अपने फैसले को क्रिटिसाइज करने में मदद मिल सके। और जो उसमें अगली स्टेज है कॉम्पेटिटर एनालिसिस है। आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एक स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर की, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक सर्टन लोकेलिटी में जिसकी पॉपुलेशन लेट्स से 10-20,000 हाउसेज हैं, उसमें मैं डिपार्टमेंटल स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ। अब आप पहली बात है वो देखिए कि वहाँ कितने और डिपार्टमेंटल स्टोर हैं,
उनकी कितने सर्कल में हैं, कितने रेडियस में कितने हैं, उनका आपस में कंपटीशन कैसा है, उनमें से पहली पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, और कितना मार्केट शेयर है उस एरिया में, और आप कहाँ स्टैंड करेंगे, आप कितना मार्केट शेयर गेन करेंगे, कितने अर्से में गेन करेंगे, इस तरह कॉम्पिटिटर एनालिसिस कीजिए। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो आप देखिए कि लोग zameen.com पे चले जाते हैं ऑनलाइन, वहीं से घर तलाश करते हैं। तो why people would come to you? क्या आप एक घर बेचेंगे, क्या आप एक जमीन बेचेंगे, क्या आप एक खेत बेचेंगे, या आप सोल्यूशन देंगे, या आप बिल्डर भी हैं, बिल्डर हैं तो व्हाट डू यू बिल्ड? आप हाउस बिल्ड करते हैं या कंफर्ट देते हैं, लग्जरी बिल्ड करते हैं, सेफ्टी बिल्ड करते हैं? आप थोड़ा सा उस पे, आप कॉम्पिटिटर्स पे देखिए कि इस तरह आपको नेक्स्ट फेजेस पे अपने टैक्टिस में और स्ट्रैटेजी फेज पे दोनों पे आपको मदद मिलेगी। अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटर्स में उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या गैप्स हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ इंडस्ट्री इंसाइट्स भी देखिए उस पर्टिकुलर बिजनेस की इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे मुझे अगर आप आज कहते हैं सिद्दीक लेट्स इन्वेस्ट मनी इन रियल स्टेट टुडे, तो आज कम से कम लाहौर की जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन है, मार्केट उसमें स्लो है, उसमें इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है रियल एस्टेट में। अगर आप मुझे कहते हैं कि जी हम स्कूलिंग के बिजनेस में आते हैं, तो स्कूल में भी बेतहाशा कंपटीशन है। व्हाई यू वुड बी डिफरेंट? आपको क्यों लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे? डेफिनेटली आइडिया बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आपको पाकिस्तान में याद होगा एक ज़माने में इकरा स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत फैला था। अगर आप देखें तो इकरा स्कूल उस तरह की हाइप, उस तरह का इमेज नहीं रखते जो उनका, अगर किसी को याद हो उनका स्टार्टिंग में बड़ा ज़बरदस्त इंजेक्शन हुआ था मार्केट में। लेकिन नाउ आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री की इंसाइट्स देखना पड़ेंगी, स्कूलिंग इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, पोल्ट्री इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, रियल स्टेट इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, तो आप उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसी तरह कस्टमर इंसाइट आपको देखना पड़ेगा कहाँ, फॉर एग्जाम्पल एक आप ऐसी प्रोडक्ट में आते हैं जहाँ कस्टमर इंटेलिजेंट हैं, जहाँ इट्स ईजी फॉर देम टू रिसीव योर मैसेज। आपके सारे कस्टमर इंस्टाग्राम पे हैं, आपके मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स गूगल पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जहाँ आप उनको क्विक और ईजी रीच कर सकते हैं। येस, आपको कस्टमर इंसाइट, कस्टमर्स का जायजा लेना पड़ेगा। आप उनके ब्रेन में बैठ के सोचिए, हाउ डू दे थिंक, हाउ डू दे बिहेव, व्हाट आर देयर शॉपिंग हैबिट्स। तो इस तरह ये मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे आप। और लास्ट एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपकी टैलेंट कैपेबिलिटी है, आपके पास स्टाफिंग है, आपके पास टैलेंटेड स्टाफ है, एक्सपीरियंस लोग हैं, या आप कह रहे हैं मैं मार्केट शायर कर लूँगा, क्या आपने उस पर कुछ हायरिंग का प्रोसेस करके देखा, क्या आपने टैलेंट के सीवी रिसीव किए? एंड रिसोर्सेज, और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं, लॉजिस्टिक्स रिसोर्सेज कौन से हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस्ड और स्किल्स और बाकी आपने अपने सारे रिसोर्सेज को देखा। तो फ्रेंड्स, ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट अ सीरियस सिचुएशन एनालिसिस। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को जब आप प्रोजेक्ट भी करें उसमें आप प्लीज सिचुएशन एनालिसिस को जस्ट स्वॉट पेस्ट और जान छुड़ा के मत भागें। कल आप बिजनेसमैन बनेंगे, कल आप अपने वेंचर स्टार्ट करेंगे, आपके पास बैचलर्स में, आपके पास मास्टर्स में, रियली ए गोल्डन टाइम। आप प्लीज़ एक सीरियस सिचुएशन एनालिसिस कीजिए, आप अपनी बुक्स में कूद जाइए। और मेरे वो दोस्त जो कि अपने कारोबार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अब 2018 की प्लानिंग में आप गूगल कीजिए, आपको हर टर्मिनोलॉजी पे बेतहाशा मवाद मिलेगा। वरना आप किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थोड़ा सा वक्त गुजार लीजिए, यू वुड हैव अ चांस टू नो अ लॉट अबाउट ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। अब मैं आगे बढ़ूंगा सेकेंड स्लाइड की तरफ, और जिसमें मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स पे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये थोड़ा सा आसान है लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ही गलत था तो एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली मेरे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। तो आपने एक, जैसे एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट है, इसी तरह आपकी बिजनेस प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव बहुत क्रिटिकल है। आप सबसे पहले अपनी कंपनी का विजन देखिए। जो भी आपका विजन है, वो आपका फाइनेंशियल विजन है, आपका एक्सीलेंस है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, उस विजन के नीचे जब आप ऑब्जेक्टिव्स रखने जा रहे हैं तो देखिए क्या आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, क्या आप सेल्स ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, क्या आपने अपनी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाए,
अब आप ये मुझे मत कहिएगा कि मेरे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम बिजनेस प्लानिंग के डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये हम मार्केटिंग प्लानिंग में, जो कि एक पार्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग है। तो मार्केटिंग अंदर आप देखें कि मार्केटिंग और सेल्स के आपके सेपरेट होने चाहिए, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आपको स्टाफ बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा। वो जी हम तो सर मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने बताइए सर आपने सेलिंग करनी है, मार्केटिंग के लिए मैं खुद हूं या मेरे पास मेरी टीम है? एंड यू शुड हैव सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। और फिर उसमें इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स में आप ये डिफाइन करेंगे कि मेरी कम्युनिकेशन का मकसद क्या है। आइडा मॉडल आप जानते होंगे, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अब आप देखें आप आइडा में ये जो आप कंपेन फर्स्ट क्वार्टर में आप लॉन्च कर रहे हैं, वो आपकी कंपेन किससे रिलेटेड है? अवेयरनेस देंगे, क्योंकि आमतौर पर ये होता है हम बिजनेस खोलते हैं और इमीडिएटली हमारी कम्युनिकेशन होती है कि बस मेरा ये सारा स्टॉक आउट हो जाए और मैं रिसेल हो जाए, बस ही मैं एक महीने में 20 यूनिट्स बेच के उठ जाऊँ रियल स्टेट में, मैं चिकन सारा अपना दुकान बस मेरी सर पहले आप अवेयरनेस तो दीजिए। मैडम पहले आप देखिए आप फैशन डिजाइनिंग में आई, आप बुटीक में आई, आप अपने सैलून में आई, पहले अवेयरनेस तो दीजिए। आप पहले कस्टमर्स को ये बताइए कि हु आर यू, आप हैं कौन, आप किस, क्या आपकी शनाख्त है, किस तरह के आप। पहले आप अपने कम्युनिकेशन कैंपेन में सबसे पहले आप अपनी अवेयरनेस दीजिए। इफ पीपल नो यू तो वो उर्दू या पंजाबी में वो जो दिखती है बिकती है तो आप फिर उस पर आ जाएंगे। इफ दे नो यू दे विल कम टू बाय यू, लेकिन इफ दे डोंट नो यू हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप एकदम थ्रो करेंगे 1+1 ऑफर लगा देते। सर कूल डाउन, पहले आप अवेयरनेस दीजिए। इस तरह कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वार्टर में मैं अवेयरनेस पे 3 महीने काम करूंगा, सेकंड क्वार्टर में इंटरेस्ट पे जाऊंगा, डिजायर पे जाऊंगा, और अगले 2 क्वार्टर्स में मैं एक्शन यानी कि सेल की तरफ अपनी कंपेन को लेके जाऊंगा। तो इसमें लास्ट जो थिंग है कि आप उसको एक सख्त और क्रिटिकल रिव्यू कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव्स का, आप डिफरेंट ओपिनियन लीजिए, उनसे क्रिटिसाइज करवाइए ताकि आपको पता लगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में कोई कमी तो नहीं रह गई। येलो बॉक्स मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया है, आप स्क्रीन पे अगर उसे देखें उसमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स लिखा है। जी खुद स्मार्ट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो स्पेसिफिक होंगे। आप ठीक और बड़ी बारीक बात करेंगे, टू ग्रो द बिजनेस, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ब्ला 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 है। टू ग्रो द बिजनेस क्या, बस मैं एम्प्लॉई हूं तो अब मैं क्या करूं, ये पौधा तो नहीं है जिसे हम रोज पानी देंगे और पौधा ग्रो करता चला जाएगा। बिजनेस में आपको स्पेसिफिक बात करनी है। मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव है कि टू सेल, फॉर एग्जाम्पल आप मोटर बाइक्स हैं और या आप रियल स्टेट में, मैं दोबारा आ जाता हूं, आप कहते हैं कि मोटर बाइक्स में मैं टू सेल 100 यूनिट्स पर मंथ, और आप रियल स्टेट में कहते हैं टू रेंट आउट मे बी 10 हाउसेस पर मंथ और पर क्वार्टर, वॉट एवर योर ऑब्जेक्टिव इज, और टू सेल मिनिमम 2 यूनिट्स पर मंथ। आपने अपना सेल्स ऑब्जेक्टिव रखा, बेशक आप खुद ही सेल्स एग्जीक्यूटिव है, नो प्रॉब्लम, बट आपको पता है ये मेरा सेल्स ऑब्जेक्टिव है और वो स्पेसिफिक है और मेजरेबल है। आप महीने के एंड पे, क्वार्टर के एंड पे देख सकते हैं 2 यूनिट सेल हुए कि नहीं हुए, 15 यूनिट रेंट आउट हुए कि नहीं हुए, और अचीवेबल है कि नहीं है। अब आप कहें जी मेरी नई फर्म है एंड आई विल सेल 20 यूनिट्स पर ईयर और पर मंथ, आप देख लीजिए इज इट अचीवेबल। अगर आप समझते हैं ये अचीवेबल है, ब्रिलियंट, इफ नॉट तो उसे अचीवेबल कीजिए। स्टाफ पे फजूल का प्रेशर डबल मत करके उन्हें दे दीजिए। आप 1000 यूनिट बेच रहे थे, स्टाफ को अभी 2000 बेचिए, तो प्लीज आप उसे अचीवेबल बनाइए और रियलिस्टिक कीजिए, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंदाना होना चाहिए। आपने कंपनी इंसाइट्स देखी, कस्टमर इंसाइट्स देखी, इंडस्ट्री इंसाइट्स देखी, अब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रियलिस्टिक कीजिए। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम रिलेटेड, क्या डेडलाइन है, मैंने ये 100 यूनिट कब तक सेल करना है, उम्र भर लगा रहूंगा या वीक में, मंथ में, ईयर में, क्वार्टर में, आपने उसको डेडलाइन देनी। एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल इस तरह बनेगी, टू increase awareness of the company or the product by 5% or to reach the masses to up to 20,000 customers by the end of this year or this quarter. आपने उसको measurable रखा है, measure करेंगे, वो specific भी था और achievable भी है, realistic भी है और time related भी है। ये smart objective की example है। Hopefully objectives are clear. आप objectives बनाइएगा।
प्लीज़ उस पर ओपिनियन लीजिएगा. thespantic.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़े. जो नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रैटेजी. जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे प्लीज़ उसे कोड कीजिए O1, O2, O3, O4. अगर कोई ऑब्जेक्टिव का सब ऑब्जेक्टिव है उसे आप O11 कोडिंग कर लिए. आपको पता होना चाहिए मेरे पास इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 9 हैं. अब आप जब स्ट्रैटेजी सेक्शन पे जाएंगे तो आपने एक ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है और उस पर स्ट्रैटेजी बनानी है. और उस स्ट्रैटेजी में आप बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के नीचे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को मैंने किस तरह अचीव करना. सो थोड़ा सा नैरो डाउन कीजिए, स्पेसिफिक हो जाइए आप. और जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हमेशा स्ट्रैटेजी ए बी सी बनाइए. इफ ए डजंट वर्क तो देन वी विल शिफ्ट टू बी. और उसमें आपकी हर ऑब्जेक्टिव के अलावा स्ट्रैटेजी बनेगी और एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी बनेगी. स्ट्रैटेजीज क्या आपका ये क्वेश्चन है जी. आप सबसे पहले अपने 7 P's सर्विस में या 8 P's और 4 P's आप अपने मटेरियल में प्रोडक्ट में डिफाइन कीजिए. आप अगर पीस के बारे में इन डेप्थ में जाना चाहें फिर हमारी 5 से 8 मिनट की वीडियो आप 7 P's और 4 P's पे देख लीजिएगा. लेकिन इस वक्त मैं आपको एक सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पी है पी फॉर प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा मेरी प्रोडक्ट क्या है, उसकी कोर प्रोडक्ट क्या है, उसकी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है और उसकी ऑगमेंटेड या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है. फॉर एग्जांपल आप रियल स्टेट में हैं, आपकी कोर प्रोडक्ट क्या है, सेलिंग लैंड्स. आपकी कोर प्रोडक्ट क्या है, सेलिंग हाउसेस. और आप कहते हैं नो आई डू नॉट सेल होम, आई सेल कन्वीनियंस, आई ब्रिंग ए सोल्यूशन एज पर योर नीड्स. आपने उसे पूछा सर आपका फैमिली साइज क्या है, अच्छा आपकी किड्स कितने, फॉर एग्जांपल आपका बजट क्या है, आप डबल स्टोरी पसंद करते हैं या ट्रिपल स्टोरी, आप लॉन कितना चाहेंगे, आपको स्टोर्स कितने चाहिए. अगर आप ठीक तरह कस्टमर की नीड पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप उसको कहेंगे सर नाउ आई विल ब्रिंग अ प्रॉपर्टी और अ होम फॉर यू विच मीट्स योर नीड. तो इस तरह आपने एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रियल स्टेट एजेंट हैं. अब आप ये नहीं कर रहे कि आपके पास 5 units बिकने के लिए आए थे और आपने कस्टमर्स को बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं किया, आप अंधाधुंध हर कस्टमर को एक ही घर दिखाए जा रहे हैं. इस तरह एक आप एक आम से एजेंट हैं जो कि होम सेलिंग में इन्वॉल्व हैं. यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो ऑन ए लार्जर स्केल. लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट को वेरी वेल डिफाइन करेंगे, आप अपनी प्राइसिस की स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करेंगे, आप अगर पैकेजिंग पे हैं प्रोडक्ट में उसको देखेंगे, अगर आप अपनी सर्विसेज में प्रोसेसेस पे मेहनत करेंगे और बाकी फीस आपको मैं डिटेल में इंशाल्लाह सेकेंड वीडियो में बताऊँगा, तो उसके अंदर आप फिर बहुत अच्छे तरीके से उसको अपनी प्रोडक्ट को अपने पैकेज को मिक्स को प्रेजेंट कर सकेंगे. और एक और स्ट्रैटेजी है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. जी सेगमेंटेशन से क्या मुराद है कि आप एक केक को जैसे पीसेस में हर एक को एक एक पीस दे देते हैं बर्थडे पे, आपने क्या किया मार्केट को डिफरेंट पीसेस में काटा और एक पीस को उठाया. उस पीस के अंदर ये वो आपका सेगमेंट है जिसके अंदर पाए जाने वाले कस्टमर सारे एक खास उनकी नीड्स हैं, कॉमन नीड्स हैं. अब आपने क्या किया उस पर्टिकुलर सेगमेंट को अलहदा कर दिया, फिर एक और सेगमेंट को अलहदा कर दिया, फिर एक चौथे सेगमेंट को अलहदा किया. आप सेगमेंट बनाते चले गए और कोडिंग करते चले गए S1, S2, S3, S4. इसमें वॉट इज अ सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं एक कमरे में दाखिल हुआ और उसमें 20 लोग थे. मैंने कहा मैरिड एक तरफ हो जाएं, अनमैरिड एक तरफ हो गए. अब रूम जो था वो 2 segments में डिवाइड हो गया. वापस मैंने उनको इकट्ठा किया, मैंने कहा कि 30 से नीचे वाले एक तरफ हो जाएं, 30 से ऊपर वाले एक तरफ हो जाएं. अब फिर कमरा 2 different segments में हो गया. 30 से नीचे कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे. फिर मैंने कहा कि मेल एक तरफ आ जाएं, फीमेल एक तरफ आ जाएं. इस तरह आपने देखा मैंने एक रूम में बार बार डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए. इससे ना जब आप मार्केट में उतरे आपने जियोग्राफिकली देखा, सिटी अलहदा कर लें, सब सिटी अलहदा कर लें, विलेजेस अलहदा कर लें. सिटी के अंदर आप अलीट एरियाज को अलहदा कर लें, अपर मिडिल क्लास एरियाज को अलहदा कर लें, मिडिल को अलहदा कर लें, लोअर मिडिल को अलहदा कर लें. इसी तरह आप इनकम लेवल से, आप फैमिली साइज से. फॉर एग्जांपल पेप्सी की जो 2.5 liter 2.25 liter की बॉटल है, ऑफकोर्स कि वो नहीं सूट करती एक फैमिली को जिसके 2 babies हैं, लेकिन एक फैमिली को जिसके 6 children हैं और 2 parents हैं 8 लोगों के लिए बोतल सूट करती है. वो बोतल एक सर्टन सेगमेंट के लिए. तो जी आप अपने बिजनेस में सेगमेंट्स को डिफाइन कीजिए.
फिर उस सेगमेंट को कैसे आप टारगेट करेंगे, टारगेट मार्केट देख लीजिए, टारगेटिंग स्ट्रेटजीज देख लीजिए, आप डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी में हैं, नीच मार्केटिंग में हैं, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी में, इस तरह आपको वहां भी स्ट्रेटजी डिफाइन हो जाएगी। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग, आप पोजिशनिंग क्या है, टू पेंट ए पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर। आप देखिए मैं आपके सामने एक ही प्रोडक्ट के तीन चार नाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल KFC, यासिर ब्रोस्ट, लाहौर ब्रोस्ट। अब आप देखिए आपके ये दोनों जो ब्रोस्ट हैं ये किसी भी सूरत में KFC की पिक्चर के करीब नहीं है। बेशक आप यासिर को लाइक करें, या फॉर एग्जांपल देखिए यासिर पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज पिज़्ज़ा, अब आप फिर इनको डिफरेंट, आपके ब्रेन में डिफरेंट पिक्चर है हर ब्रांड की। आप प्लीज़ अपने ब्रांड की जो पिक्चर आपने पेंट करनी है उसको डिफाइन कीजिए। क्या आप चीप हैं, अफोर्डेबल हैं, लग्जरी हैं, ड्यूरेबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं? आप मास्टर पेंट को देखिए, टोकन के बगैर वो पिक्चर दे रहे हैं कि सर हमें अपने पेंट को सेल करने के लिए किसी किस्म की टोकन की जरूरत नहीं है, और उन्होंने टोकन को एक रिश्वत के तौर पे पिक्चराइज किया है कि जो पेंट आपको टोकन दे रहे हैं बेसिकली दे आर गिविंग यू प्राइस, वो आपके उस टेक्नीशियन को जो पेंट करेगा, पेंटर को रिश्वत दे रहे हैं। तो आप उनकी देखिए किस तरह की पेंट कर रहे हैं पिक्चर। आप देखिए कि अगर आपका बिजनेस है फैशन डिजाइनिंग का तो आपके ब्रांड की क्या पिक्चर पेंट हो, मसलन आप कौन है, आपके जी फैशन क्या, मेरे लिए बी फैशन, डी फैशन, जी फैशन, इसका क्या मतलब है? तो आपने उसको डिफाइन करना स्ट्रेटजी को, वॉट एवर पिक्चर यू वॉन्ट टू पेंट। और इसी तरह आगे देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आपको IMC पे काम करना है। आपको देखना है कि मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन की क्या स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे जाऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाऊंगा, कन्वेंशनल मार्केटिंग पे जाऊंगा, आउटडोर मार्केटिंग पे जाऊंगा। आपको उन स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना है। और आपको पता है 2018 में आप जो मर्जी बिजनेस करें आप डिजिटल और सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, और कई बार डिजिटल और सोशल मीडिया में भी हम फर्क नहीं करते, इसलिए आपको उसको भी जानना जरूरी है। येलो बॉक्स को प्लीज़ एक बार फिर ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने बात की है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की। देखिए मैं एज ए ब्रांड कंसल्टेंट आपको बता सकता हूँ कि बेतहाशा लोग ये गलती करते हैं, बिल्कुल ठीक मार्केट प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी ब्रांड एट्रीब्यूट्स डिफाइन ठीक नहीं थे, उन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को ठीक नहीं बताया, उन्होंने ब्रांड पर्सनैलिटी उसकी जो पर्सनलाइजेशन करनी थी उसे नहीं ठीक किया, और ब्रांड एक्सपीरियंस को डिजाइन नहीं किया, उन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं बना सके, और लास्ट में उन्होंने ब्रांडिंग को इग्नोर कर दिया। प्लीज़ आने वाले दिनों में 2018-19-20 में ब्रांडिंग को इग्नोर मत कीजिएगा। आपके रीजन में इंतहाई ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके पास 2020 की एग्जीबिशन है दुबई में, 2022 का कतर में वर्ल्ड कप है, आपके पास 2030 का विजन है सऊदी अरेबिया का, आपके पास सी पैक है 2020 के लगभग, वो भी ऑपरेशनल होगा। तो प्लीज़ आप वन बेल्ट वन रोड, आपका रीजन इंतहाई सीरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में है, टेक एडवांटेज ऑफ इट, यू आर ब्लेस्ड, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। आप अपने ब्रांडिंग पे खसूसी तवज्जो दीजिएगा। और अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट, आपने सिचुएशन का एनालिसिस किया, ग्रेट, आपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया, ब्रिलियंट, उसके बाद आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट किया। अब हमारे पास अगला स्टेप है टैक्टिक्स। अब मैं डिफाइन करूंगा अपने बिजनेस के लिए टूल्स। सर इश्तेहार दे देते हैं टीवी पे, इट्स टू एक्सपेंसिव, एवरी बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है जी, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कर दे। सर व्हाट आर यू सेलिंग, आप क्या सेल कर रहे हैं जो फेसबुक पे सेलिंग करने जा रहे हैं? फेसबुक के स्टैटिस्टिक्स देख लें, फेसबुक के देखिए क्या वो डेमोग्राफिक्स में, क्या वो लोग, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं रिटायर्ड प्रोडक्ट रिटायर्ड पर्संस के लिए, तो क्या वो लोग भी फेसबुक पे हैं? आप बेच रहे हैं कुछ प्रोडक्ट जो 50s शुगर की मेडिसिन हैं, अब आप देखें फेसबुक पे शुगर के पेशेंट बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है आपका 70% 80% वहाँ एक ऐसा सेगमेंट बैठा है जो कि खुद शुगर जिसको नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द मनी, आपका वो पैसा ज़ाया तो नहीं होने जा रहा? ऐसा तो नहीं है वो जो आप बजट थ्रो करेंगे वो ज़्यादा उसमें से वेस्टेज हो जाएगी? तो आपने टैक्टिक्स को बड़ा इंटेलिजेंटली डिफाइन करना है। IMC के बारे में बात हुई, स्ट्रैटेजी में भी उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ उनको हम बताएंगे जी ये मेरा टूल यूज़ हो रहा है, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग पे जाऊँगा, मैं SMS सेंड करूँगा, मैं डायरेक्ट मेल भेजूँगा, मैं उसको सोशल मीडिया में फेसबुक एडवर्टीजमेंट चलाऊँगा, और जो मैसेज आप उसके अंदर रखेंगे, कॉन्टेंट, मैसेज, मैसेज डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हर जगह से पैसे मत बचाने की कोशिश कीजिए, किसी प्रोफेशनल्स का सहारा ले लें। आपको आपके पाकिस्तान की मार्केट में प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, आपको बड़े अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे लड़के मिलेंगे, फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसीज हैं, freelancer.com है, fiverr.com है, आपके कुछ जानने वाले होंगे, आप किसी आर्ट कॉलेज से देख लें, कोई आप प्रोडक्शन हाउस से बंदा देख लें, प्लीज़ प्रोफेशनल थोड़ा सा सपोर्ट लें, क्योंकि जो आपका मैसेज जा रहा है इट आप उसको खुद छोटा सा ऐप डाउनलोड करके मत डिज़ाइन करें, क्योंकि उसमें एस्थेटिक सेंस है, उसके कंटेंट की सेंस है, उसमें साइंटिफिकली देखना है, कलर का दुरुस्त इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट होगा। और आपका अगर मैसेज अच्छा होगा, कन्विंसिंग होगा, तो उससे आप उम्मीद रखेंगे कुछ आउटपुट मिलेगी, और उसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ना हो आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे तो ये अपने कैरियर में देखने का मौका मिला कि उसमें डिफरेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और एक ही मैसेज डिफरेंट वक्त में वो फ्लोट करा और हर बार उनका डिफरेंट एक अपेयरेंस थी, कंसिस्टेंसी लूज कर गए, और पिछली बार कोई और डिज़ाइनर था, कोई और डिज़ाइनर आ गया, एजेंसी चेंज कर ली, फ्रीलांसर भाग गया, तो अब वो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है साल में कौन से इवेंट्स आएंगे, आपको पता है कब आपने क्या करना है, प्लीज़ उसे एक ही झटके में आप खत्म करवा लीजिए। आप बल्क में सर्विसेज लेंगे, आपको इकोनॉमिकल पड़ेंगी, आप उसे जान छुड़वा लीजिए। और आपके पास मैसेज पड़े, आपको पता है ईद पे मैंने स्कीम देनी, अब ईद का सारा कम्युनिकेशन प्लान उसको बना के उसको मैसेज बना लें, आपको एक तो शुरू में सस्ता पड़ जाएगा, और सेकेंड ये बात है कि आपके पास चीज़ है, जब ईद आई बड़ी छोटी दे आपने उसको सिर्फ थ्रो करना, और आपके पास डिफाइन है और कंसिस्टेंसी उसमें दिखाई देगी जब एक ही एजेंसी के हाथ से बने या एक ही प्रोफेशनल के हाथ से वो बना होगा। रिसोर्सेज को बड़े ठीक एलोकेट कीजिएगा, आपके पास बजट हमेशा लिमिटेड होंगे, एसएमईज में आपके पास जाहिर है अनलिमिटेड बजट नहीं है, आप बिलियंस ऑफ रुपीस में नहीं है, मिलियंस में भी नहीं है, तो जितना भी आपके पास बजट है, और प्लीज़ बजट थोड़ा सा एलोकेट भी कीजिएगा। अब ये ना कहें कि मैंने 2 यूनिट बेचे और मैं सारा पैसा खा जाऊँ, सर आप थोड़ा सा पैसा 10% आप मार्केटिंग के लिए निकाल लिया करें हर अपनी सेल्स में से, ताकि जब आप मार्केट खेलने लगें, क्योंकि जो वो 10% निकालेंगे फिर आप उससे कंपेन चलाएंगे, फिर वो वापस इंशाल्लाह पैसा लौट आएगा सेल्स की सूरत में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर एक स्मार्ट सिलेक्शन देखिएगा, येलो बॉक्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो टैक्टिक्स की सिलेक्शन है ये बेस्ड ऑन योर बजट है, बेस्ड ऑन योर सेगमेंट्स है, बेस्ड ऑन योर टारगेट मार्केट है, बेस्ड ऑन योर जियोग्राफिक लोकेशन है, और इस तरह के अदर एलिमेंट्स का इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टैक्टिस के बाद जो सेकंड लास्ट स्टेज है वो एक्शन की, आपको रिमेंबर है एक्शन का मतलब है कि स्पेसिफिक एक्शन यू विल टेक फॉर ईच स्टेप। यस, कौन क्या करेगा, हु इज डूइंग व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन कीजिए, उसको पता हो ये मेरा काम है, वो कब करेगा, व्हेन, उसको पता हो फर्स्ट को मैंने ये करना है, सेकेंड को ये करना है, थर्ड को ये करना है, और उसकी जो वॉकिंग है, उसकी जो आउटपुट्स है, हाउ डू वी रिकॉर्ड इट, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे होगी, और हाउ डू वी मेजर इट। अब देखिए कि हमने उसको कहा कि आपने 10 यूनिट्स पर मंथ सेल करने, तो अब हम उसको मेजर करने जा रहे हैं, तो हमारे पास वो ऑलरेडी वो स्पेस होनी चाहिए जिसमें 10 के आगे हम वो डिजिट डालेंगे और हमें वेरिएशन दिखाई देगी। अगर उसने 11 यूनिट सोल किए हमें +1 दिखाई दिया, अगर उसने 9 किए -1 दिखाई दिया, तो हमें मेजरमेंट के वो फॉर्मेट्स भी अपने पास रखने पड़ेंगे, वेयर इज द एक्शन प्लान, और ये सारे प्लान को आपको ड्राफ्ट कर लेना चाहिए जिसमें आपके पास टाइम लाइन्स होंगी, और 1 by 1, month by month, week by week, day by day, उसमें तमाम एक्टिविटीज़ की स्टार्टिंग एंडिंग वो लिखा होगा। लेकिन सर मैडम, आपके बाकी टीम मेंबर आपके साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, सेम सेशन पे आप लोग ऑनबोर्ड हैं, प्लीज़ आप उन सबको ऑनबोर्ड लाइए, सबसे एक्शन प्लान को शेयर कीजिए बिफोर टाइम, और उनकी फीडबैक लीजिए, प्लीज़ उन्हें कन्विंस मत कीजिए, आप प्रेजेंट कीजिए एज ए ड्राफ्ट, वर्ड यूज़ किए, दिस इज ड्राफ्ट एक्शन प्लान, कमेंट, सो उनको इनपुट देने दीजिए, हो सकता है कि कोई अच्छी यूजफुल इनपुट हो, जो आपके इनपुट हो जो बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। फिर येलो बॉक्स को देखिएगा, एक्शन, आपके एक्शन में एक अच्छा प्लान होगा, अ गुड प्लान, अ गुड एग्जीक्यूशन, पैरामीटर्स आप बहुत अच्छे डिफाइन करेंगे, आपने स्टेक होल्डर्स को जरूर देखना है जिसमें एम्प्लॉयज सबसे पहले हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके एक्शन प्लान में आपने उनका ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैंपेन लॉन्च की और वैकेशन थी, और वो मोस्टली जो लोग थे वो एब्सेंट थे फ्रॉम दैट मार्केट, सो ऐसी मिस्टेक्स ना कीजिए, स्कूल के कैलेंडर को भी आप पहले देख लीजिए,
टेक्निक्स आपको बहुत अच्छी यूज करनी है, चेकिंग, चेक एंड बैलेंस टेक्निक। और चेक एंड बैलेंस के हवाले से आप आखिरी स्लाइड को देखिएगा, कंट्रोल। SOSTAC में कंट्रोल, मैंने पहले भी कहा था शुरू में, ये ऑनर्स की जॉब है, आप कंट्रोल कीजिए, आप मैनेजर्स की जॉब है। प्लीज आप अपने पूरे मार्केटिंग प्लान को अगर हो सके तो डेली बेसिस पे कंट्रोल कीजिए। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे आप कलेक्ट करें कि ठीक जा रहा है प्रोसेस के नहीं जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करें, स्ट्रैटेजी को चेंज करें, बजट के एलोकेशन को चेंज करें, आईएमसी में चेंज करके डिसीजन लें, मैक्स को दोबारा हिलाया जाए। और इसमें देखिए स्ट्रैटेजी के आप रिजल्ट देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है कि नहीं। कम्युनिकेशन, जो आपने कंपेन बनाई थी उसको चेक कीजिए, आप अवेयरनेस करना चाह रहे थे, पहला क्वार्टर खत्म हुआ, प्लीज छोटा सा सर्वे अरेंज करवा लें, जहां आपने मैसेज थ्रो किया वहां से फीडबैक ले लें, उनके किसी भी कोई तरीके से कमेंट्स ले लीजिए। फिर यह है कि आपने अपने सेटिस्फेक्शन के पैरामीटर्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे जैसे डैम में एक आखिरी हद है, एक अपर लिमिट है, दोनों डेंजरस है। आप ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं, लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, आप अपनी भी लोअर और अपर लिमिट डिफाइन कीजिए, जिसमें अपर लिमिट से जब बाहर जाएगा सेटिस्फेक्शन, तो मीन्स अब आपको नए रिसोर्सेज लाने, अदरवाइज फिर आप क्वालिटी को लूज कर जाएंगे। कई बार बेतहाशा बिजनेस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और वो कोलैप्स कर जाते, तो आप इसलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी डिफाइन कीजिए। फ्रीक्वेंसी आपकी, आपको पता होना चाहिए, मतलब आप कब रिपोर्ट लेंगे, किससे लेंगे, रिपोर्ट के फॉर्मेट्स क्या होंगे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे, कौन प्रेजेंट करेगा, उस पर कितना क्विक आपको रिएक्शन देना होगा। प्लीज़ एनालाइज करते रहिए सिचुएशन को और उसको इवेल्युएट करते रहिए, जिस एग्जाम्स में हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया करते थे। हाउ, ये किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, एक्सपर्ट आपके पास अपने एरिया के होंगे, बाय योरसेल्फ, आपका बिजनेस है, आपको सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत है, और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स होनी चाहिए। रिपोर्टिंग आप गूगल से सैम्पल्स भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल कंपनी से भी सपोर्ट ले सकते हैं, और टाइमली डिसीजन लें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर टेकिंग डिसीजन, इट्स इंपॉर्टेंट यू आर टेकिंग डिसीजन ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच। आई एम होपफुल कि आपको SOSTAC प्लानिंग काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इन केस अगर मेरे से कोई बात नामुकम्मल या अनटच्ड हो, प्लीज़ हमें ईमेल कीजिएगा info@thespontic.com पे, या आप हमें इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़, आप चाहेंगे कि बिजनेस के आपको अपडेट्स मिलती रहें, आपको बिजनेस के लेटेस्ट ट्रेंड्स पे, मॉडल्स पे और आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमारी वीडियोस मिलती रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिजनेस कम्युनिटी में हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, हम मुंतजर रहेंगे आपके कमेंट्स के। और इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।